जो रेगुलर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो पढ़ाए जाते हैं, साथ में बच्चों के साथ शाम को 2 से 2.5 घंटे का समय नियमित रूप से लगाया गया है। उससे पूरे हॉस्टल के वातावरण में, फैमिली जो फैकल्टी के वहाँ रह रही है उनके वातावरण में, पूरे टीचिंग पेडागॉजी में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। तो उसको मैं इन्वाइट करूँगा गोपाल बाबू को कि आकर उसको थोड़ा शेयर करें, फिर हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। जैसा भैया ने बताया कि मेरा नाम गोपाल बाबू है और प्रेजेंटली मैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले करीब 18 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो इस कंटेंट से मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ और तो बहुत शॉर्ट में मैं अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, फैमिली ट्रांसफॉर्मेशंस और जो मेरा कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा है इस सब काम का, उसको बहुत शॉर्ट में शेयर करूँगा। तो 2009 की बात है जब मैं पहली बार ये वर्कशॉप किया था। उससे पहले मेरे मन में ना काफ़ी डिलेमाज रहते थे और ये डिलेमाज ज़्यादातर घर वालों के एक्शन से जनरेट होते थे। जैसे अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखूं, तो मेरी ग्रैंड मदर बहुत स्पिरिचुअल रही हैं। तो सुबह उठना 4 बजे, तुलसी की पूजा करना, चूड़ी चढ़ाना, चुन्नी चढ़ाना, 1.5 घंटे तक पाठ करना, ये सब करती थी और मैं उनके साथ ही बैठता था। लेकिन जितनी देर वो पूजा में रहती थी उतनी देर ही घर में शांति रहती थी। जैसे वो बाहर आती थी मेरे घर की मम्मी, चाची और चाचियाँ ये सब भागने लगती थी क्योंकि उनका व्यवहार एकदम से बदल जाता था। तो मेरे मन में ये नेचुरल क्वेश्चन रहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई व्यक्ति 1.5 घंटे इतनी शिद्दत से पूजा करने के बाद भी उसका व्यवहार अपोजिट कैसे हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में चलते रहते थे, मैं इनका आंसर्स बहुत सारी जगह ढूंढता रहता था। इसी क्रम में मैंने 2009 में ये वर्कशॉप ज्वाइन की थी, तब मैं टीचिंग कर रहा था 2005 में। तो AKTU में फर्स्ट टाइम ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो कुछ टीचर्स को भेजा जाना था प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो उसमें से एक मैं था। तो जब मैं 2009 में मैंने ये वर्कशॉप किया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जितने भी मिस्टिकल क्वेश्चंस हैं, उन सबके आंसर्स मिल रहे हैं मुझे। तो इस वर्कशॉप के थ्रू मैं देख पाया कि मेरे में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ और उस एक्सप्लोरेशन के थ्रू मेरे बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस, उसके आंसर्स मुझे मिलने लगे, अपने आप ही अपने में ही मिलने लगे। मुझे बाहर के रेफरेंसेस की जरूरत ही नहीं पड़ने लगी। तो ये एक बहुत प्रोसेस जो मिला ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और जैसा मैंने कहा कि घर वालों से मेरे अंदर बहुत डिलेमा रहते थे, एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि देखो पड़ोस वाले बच्चे से कुछ सीखो, कितना स्मार्ट है, तुम इतने सीधे हो दुनिया में चल नहीं पाओगे। एक दिन उस बच्चे ने क्या किया, मेरे पापा से स्मार्टनेस दिखा दी। मेरी मम्मी ने तुरंत अपने स्टेटमेंट को बदला, है ना, तुम्हारे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं है, बेटा तुम इसके साथ कभी खेलने मत जाना। मैंने कहा मम्मी 2 दिन पहले तो आप रोल मॉडल बता रही थी इसको। अच्छा, बड़ों से जब ऐसे क्वेश्चन करो ना तो बहुत आंसर्स होते नहीं है, बस आंखों का कलर चेंज हो जाता है ना। और जब उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाए तो आप समझ जाइए कि अब कभी भी अमानवीय व्यवहार हो सकता है ना। तो ये सारे डिलेमास जो है ना, मुझे इस वर्कशॉप का जो एक्सप्लोरेशन वाला पार्ट है जिससे मुझे अपने से कम्युनिकेट करना सीखा, अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस से कम्युनिकेट करना जब मैंने सीखा, तो इसके स्वतः ही आंसर आने लगे मुझे। तब मेरे अंदर ऐसा विजडम आने लगा कि मुझे समझ में आने लगा ये सही है ये सही नहीं है। इससे पहले मैं बहुत प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड चलता था और उस प्रिस्क्रिप्शन को जब मैं फॉलो करता था तो इंटरनली मेरे अंदर ही कष्ट बना रहता था कि मैं ही क्यों करूं ये सही काम, ये क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन से मैं अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस के करीब आता गया, अब इस बात का मेरे अंदर प्रेशर नहीं रहता है कि मैं ही क्यों कर रहा हूं, ये क्यों नहीं कर रहा है। अब मुझे लगता है मैं ये कर रहा हूं क्योंकि इसी में मेरा सुख है, इसी में मेरी हैप्पीनेस है, इसी में मेरा इंटरनल ग्रोथ है। तो एक तो बड़ा काम मुझे ये लगता है कि मैं बाहर के जो रिलेटिविटी थी उससे मुक्त हो पाया हूँ, ये मुझे एक आउटकम मिलता है। तो 2010 में मैंने भैया लोग की गाइडेंस में वर्कशॉप लेना स्टार्ट किया और तब से मैं कंटिन्यूअस वर्कशॉप ले रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रोफेसर RR गौड़, जो इस बुक के ऑथर हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई
फिर मैंने इसी फील्ड में पीएचडी की आईआईटी दिल्ली से। तो मेरा पीएचडी का टॉपिक रहा है स्टडीज़ ऑन इनहेरेंट इंटरकनेक्टेडनेस एंड कोएग्जिस्टेंस इन नेचर फॉर इवेल्युएटिंग एंड इवॉल्विंग सस्टेनेबल सोशो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इसमें हम लोगों ने पूरे नेचर को स्टडी किया है और हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की है कि नेचर कैसे सस्टेनेबल है, और उससे पैरामीटर हम लोगों ने ड्राइव किए हैं। तो अगर उन पैरामीटर्स को कोई फॉलो करता है तो उसके सिस्टम, उसके बिजनेस, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस, सोसाइटी, ये सब सस्टेनेबल हो सकती है। तो नेचुरल मेरा इंक्लिनेशन बना, और जितनी शिद्दत से मैंने पीएचडी की उतनी शिद्दत से मैंने बीटेक एमटेक नहीं की थी। मुझे कोई पर्पस समझ में नहीं आया मैं बीटेक एमटेक कर ही क्यों रहा हूँ। तो जैसे सब बच्चे कहते रहे, चलो पढ़ गए पास हो गए, अदरवाइज फील्ड टोटली चेंज था। एमटेक तो मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी और इधर आकर फील्ड पूरा चेंज हो गया। लेकिन बहुत ही सुकून भरा एक जर्नी रही पीएचडी करना भी। तो कभी भी मुझे बर्डन ही नहीं लगा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जबकि बीटेक मुझे बर्डन लगा था, एमटेक मुझे बर्डन लगा था। तो ये जो स्थिति मेरे अंदर गेन हो रही है ना, ये बहुत मुझे बड़ा सुख देती है, ये मुझे लाइफ के अचीवमेंट्स लगते हैं। पहले मैं बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता था, अब मुझे लगता है कि मेरा गोल्स फिक्स हो गए हैं, एक डेफिनेटनेस आ गई है। अब बहुत जल्दी मैं लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता हूँ, है ना। मैं ये सेंस कर पाता हूँ कि ये व्यक्ति सही दिशा में बात कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये एक विजडम जैसा मेरे अंदर अराइज हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इस पूरे कंटेंट से बार बार जाने के लिए। इसी दौरान मेरी मैरिज हुई। फैमिली लेवल पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ये देख पाता हूँ कि पहले जब 2009 से पहले 2007 में मेरी मैरिज हो गई थी, जब वाइफ कोई बात करती थी और मैं हर्ट होता था तो मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन डिस्टेंस बना लेता था, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था। लेकिन जब ये एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से मैं गया तो मैं सिचुएशन से बाहर निकल आता हूँ। तो पहले मैं कई दिन खराब कर देता था अंदर ही अंदर कुड़ने में, अब वो सिचुएशन नहीं आती है, अब मैं विद इन सेकेंड्स निकल आता हूँ, निकल भी आता हूँ और परिवार में दूसरों को कॉम्प्लीमेंट भी कर पाता हूँ, जिससे कि वो भी इस स्थिति तक आ पाए। तो मुझे लगता है कि इस वर्क कंटेंट के थ्रू मेरा रिलेशन का पार्ट और मेरा म्यूचुअल इंटरेक्शन, इसमें बहुत क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हुआ है, ऐसा मुझे दिखता है, और ऐसा फैमिली के लोग भी कहते हैं। क्योंकि जब मैंने 2009 में वर्कशॉप किया था तो मुझे लगता था मेरी समझ बहुत बढ़ गई है, बाकी लोगों की समझ में कमी हो गई है। तो मुझे लगता था मैं घर जाके सबको समझदार बनाऊंगा, यही मेरा एक काम है। तो जो भी मुझे मिलता था मैं उसको बताने लगता था, सेल्फ क्या है, बॉडी क्या है। तो मुझे देखकर कई वाले घर वाले भाग जाते थे, ये फिर से ज्ञान देने आ गया है। लेकिन मुझे लगता था मैं इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, ये लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं। तब मुझे समझ में आया केवल एनालिटिकली समझ लेना मेरे व्यवहार में चेंज नहीं लाता है, उसको एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करना और दूसरों तक रिफ्लेक्शन जाना, ये नेक्स्ट स्टेप है। तब मैंने एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन पर ध्यान दिया, और जैसे जैसे मेरे थॉट्स में, फीलिंग्स में क्वालिटेटिव शिफ्ट हुआ, मेरे व्यवहार को लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो आज फैमिली में जब मैं जाता हूँ तो लोग सेशन चलवाते हैं। अभी सत्यनारायण की कथा हो रही थी, मेरी दादी को पता चला कि मैं आने वाला हूँ, उन्होंने कहा कथा बाद में होती रहेगी, पहले सेशन चलवाते हैं। उनको लगता है अब ये व्यक्ति जो बात कर रहा है इसमें कहीं रिफ्लेक्ट भी होता है। इसी के साथ मैंने AKG ज्वाइन किया, वहाँ पर मैं डायरेक्टर्स, HODs, फैकल्टी मेंबर्स, बच्चों के साथ यही काम कर रहा हूँ। मैं IT डिपार्टमेंट में हूँ लेकिन ये काम भी कर रहा हूँ। तो हम लोग ने सारी फैकल्टीज को ये वर्कशॉप करवाया हुआ है, Level 1, Level 2, Level 3 तक। सारे बच्चे इसको सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे हैं। इससे मैं जो चेंज देख पा रहा हूँ वही देख पा रहा हूँ। अब हम लोग बच्चों का जब वर्कशॉप करते हैं तो 44 आवर्स का वर्कशॉप करते हैं, सोचिए रनिंग सेमेस्टर में। यानी कि बच्चे अपना सैटरडे लगाते हैं, संडे लगाते हैं, वीक डेज में 4:30 से 6:30 बैठते हैं और फिर सैटरडे संडे लगाते हैं। किसी और सब्जेक्ट में बच्चों के लिए बैठना इतना मुश्किल काम है, लेकिन इस सब्जेक्ट में वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसको समझने के बाद उनके रिलेशनल इश्यूज बहुत सॉल्व हो रहे हैं। उनको लग रहा है इसको करने के बाद हम क्लास में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। और फैकल्टी मेंबर्स को हमने ये देखा है, जो फैकल्टी इसमें इंक्लाइंड हुए हैं, जब वो टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सुन लेते हैं क्योंकि वो फैकल्टी ह्यूमन वैल्यूज भी पढ़ा चुके हैं। तो फैकल्टी और स्टूडेंट में जो एक रिलेशन बनना चाहिए, जो ग्रेटिट्यूड का भाव आना चाहिए बच्चे में, और फैकल्टी में फैकल्टी की तरफ से जो श्रेष्ठता दिखनी चाहिए, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है वो लोग का क्लास, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, ज़्यादा स्मूथ चलता है जो ह्यूमन वैल्यूज पढ़ा रहे होते हैं।
उनकी क्लास में चेंजेस ये आया है कि अब वो बच्चों को समझने लगे हैं। पहले केवल क्लास डिलीवर करते थे, अब वो बच्चों को समझने लगे हैं, बच्चों की मन की स्थिति को भी वो समझने लगे हैं। तो अब हमारे कॉलेज में काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हर फैकल्टी काउंसलर है। तो वीकली काउंसलिंग होती है और हर फैकल्टी उसमें काउंसलर बनता है, क्योंकि हर फैकल्टी वर्कशॉप से निकला हुआ है। तो अभी समय कम है, अभी मैं इतनी ही रखना चाहूँगा, फिर हम लोग कभी ब्रेक में मिलेंगे तो मैं इस पर आप लोग से और भी बात करूँगा, तो और है ना आगे के रास्ते निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच।